दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नींबू से वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा वशीकरण है जो कि अचूक वशीकरण है। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आपकी जो परेशानी है, आपकी जो समस्या है, आपको पहले उसके बारे में सोचना होगा कि वो आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उसे हल कर दें या फिर आप कोई टेम्प्ररी सोल्यूशन चाहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं परमानेंट सोल्यूशन तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी आप जिसे भी अपना वश में रखना चाहते हैं हमेशा के लिए वो आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊँगी जो आपको करनी होंगी और उसके बाद आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों अब आपको बताती हूँ बिना समय गवाए कि कैसे आपको ये उपाय करना है। छोटा सा ही उपाय है जो आपको करना होगा, लेकिन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप इसे कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो कि अचूक रूप से काम करता है, आपकी मदद करेगा समस्या को सॉल्व करने में। और जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई माता जी हो, जिनसे आपका काम नहीं बन रहा हो, आप उन्हें वश में करके अपना काम करवा सकते हैं। जी हाँ, और वो हमेशा आपके वश में रहेंगी। आप जब भी चाहें उनसे कोई भी काम अगर चाहते हैं पूरा करवाना तो वो काम पूरा हो जाएगा। आइए दोस्तों बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको एक नींबू लेना है और आपको लेना है एक मार्कर। नींबू पर आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप उस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। मान लीजिए कि मैं वश में करना चाहती हूँ किसी लड़की का, तो मुझे उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा है रिया, अब मैंने रिया को इस तरह से लिख लिया है। चाहे आप इसे हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। और को इस तरह से लिख लेना है उसका नाम, जिस भी लड़की को आप अपने वश में करना चाहते हैं नींबू के ऊपर। इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है, नींबू को ऐसे सामने आपको रख लेना है। उसके बाद दूसरा कार्य जो आपको करना है, नींबू को आपको ऐसे कागज़ पर रखना है, जिससे कि इस पे जो भी कार्य हम करेंगे वो इस कागज़ पर ही रहेगा। अब आपको कागज़ के ऊपर बनाना है एक तरफ ओम का निशान और एक तरफ स्वास्तिक का निशान, इस तरह से। और दोनों के बीच में आपको नींबू को रखना है यहाँ पर, और नाम लिखना है उस लड़की का या उस व्यक्ति का जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं। नीचे आपको लिखना है अपना नाम, तो नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम लिखती हूँ मनोज, मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ, मंत्र का उच्चारण आपको इस तरह से करना है कि आपको अपने उल्टे हाथ में लेनी है सिंदूर की डिब्बी, और उसके बाद आपको उसे अपने दूसरे हाथ से इस तरह से ढक देना है, और उसके बाद आपको उस पर फूंकना है। जी हाँ, आपको मंत्र बोलना है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः अमुक वश्यम कुरु स्वाहा। जी हाँ, मैंने आपके लिए मंत्र को लिख के भी रखा हुआ है, आप इसे एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी मंत्र बोलने में, सही उच्चारण करने में समस्या नहीं होगी। तो ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः अमुक वश्यम कुरु स्वाहा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो अमुक है यहाँ पर आपको ये नाम बोलना है, जो भी आपने नींबू पर नाम लिखा है वो नाम आपको यहाँ पर बोलना है। तो आप इस मंत्र को कहीं पर नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मंत्र आपको बोलना है।
और उसके बाद आपको इस सिंदूर की या कुमकुम की जो भी आपने डिब्बी ली होगी उसके ऊपर आपको फूंकना है। 108 बार आपको इस मंत्र को बोलते हुए इस पर फूंकते जाना है। आप इधर से यहाँ से जो भी उंगलियों का गैप है वहाँ से आप इस पर फूंक सकते हैं। और उसके बाद आपका जो सिंदूर है, जो कुमकुम है, वो पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आपको इस सिंदूर को निकालना है दोस्तों, और उसके बाद अपनी ये उंगली यानी कि जो रिंग फिंगर होती है उसकी मदद से आपको ये निकालना है इस तरह से, और सिंदूर के ऊपर ऐसे लगा देना है। जहाँ पर भी आपने नाम लिखा है वहाँ पर आपको लगा देना है, और जहाँ पर आपका नाम लिखा है वहाँ पर भी आपको इस तरह से लगाना है। ओम के ऊपर, स्वास्तिक के ऊपर, सब जगह आपको ऐसे लगा देना है। उसके बाद आप इसकी डिब्बी जो है वो हटा दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस मंत्र, ये जो आपने बनाया है अपना पूरा उपाय, इस उपाय के ऊपर भी मंत्र को पढ़ना है। सेम उपाय, सेम मंत्र जो मैंने आपको पहले बताया था, ओम ब्रह्म, ये वाला मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः अमुकम वश्यम कुरु स्वाहा, अमुकम की जगह पर उस व्यक्ति का नाम जिसका नाम हमने नींबू पर लिखा है, जी हाँ। तो इसे आप ध्यान से कीजिएगा, और उसके बाद आपको बस ये करना है दोस्तों कि ये जो आपने नींबू लिया है इसे आप 21 बार इस पर मंत्र पढ़िए, और इसके बाद इसे इसमें इस कागज़ में ऐसे लपेट लीजिए, और इसे ले जाके आपको चौराहे पर फेंक देना है। अगर आपके घर के पास, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर के पास कोई शमशान हो तो आप शमशान में जाकर इस नींबू को, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी ऐसी जगह मिले जहाँ से आप शमशान में इसे फेंक सकते हैं तो आपको बस शमशान के गेट के पास खड़े होकर इसे अंदर की तरफ फेंक देना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इसे फेंक रहे हो तो कोई आपको देखे नहीं, अगर देख भी ले तो कोई आपको टोकने ना पाए, आप वहाँ से तुरंत चले जाइए। आपको उसका जवाब देने की या उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस चुपचाप वहाँ से निकल जाना है, और आपका ये उपाय हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपके पास उस लड़की का कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, और आप समझ जाएंगे कि वो आपके वश में हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस उपाय को आप करके देखिए, ये एक अचूक उपाय है जो बहुत सारे भक्तों ने किया है, आपके लिए भी ये ज़रूर काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों।